आज हम इस वीडियो में संख्याओं को विस्तार रूप में लिखना सीखेंगे। जब आपके पास कोई संख्या दी जाए और बोला जाए कि इसको विस्तारित रूप में लिखना है, अब विस्तारित रूप में लिखने के लिए क्या करना है कि जैसे आपको कोई संख्या दे रखी है उसमें सबसे पहले आपको पॉइंट देखना, दशमलव देखना कहाँ है। तो इसमें आपको जो दशमलव है नहीं दिख रहा ना, तो वो संख्या जिसमें दशमलव दिखाई नहीं देता है उसमें जो पॉइंट होता है ना वो संख्या के लास्ट में होता है यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपको इसको विस्तार रूप में लिखना, तो करना क्या है, पॉइंट तो यहाँ पर है तो आपको शुरुआत करनी है कहां से, चार से। तो विस्तार रूप होगा, सबसे पहले हम चार लिख देंगे, चार के बाद में जितने भी अंक है पॉइंट के पहले उन सबको जीरो बना लेंगे, तीन का भी जीरो बन जाएगा, सात का भी जीरो बन जाएगा और छह का भी जीरो बन जाएगा। उसके बाद में हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब तीन लिखना है, चार तो पहले लिख लिया आपने, तीन, तीन के बाद में पॉइंट से पहले कितने अंक है, एक और एक दो अंक है, तो आपको दो जीरो रख लेने हैं, प्लस फिर सात और छह का एक जीरो बन जाएगा और फिर प्लस का हो जाएगा छह। तो ये हो गया इसका विस्तार रूप। अगर कोई संख्या इस रूप से हो, दो तीन पांच पॉइंट तीन दो चार, और इसका विस्तार रूप आपको लिखना हो तो काउंट होगा पॉइंट के पहले का इधर का अलग हिसाब होगा, पॉइंट के बाद का अलग हिसाब होगा। पॉइंट के पहले आप रखेंगे सबसे पहले दो को, तो दो के बाद में पॉइंट से पहले कितने अंक है, एक और एक दो, तो आप इसके आगे दो जीरो लगा देंगे, प्लस फिर लिखेंगे आप किसको, तीन को, तीन के बाद में कितना अंक है, एक पॉइंट के पहले, तो आप एक जीरो लगा देंगे। फिर आप लिख देंगे किसको, प्लस पांच, और पांच पॉइंट के पहले सिर्फ पांच ही और कोई अंक है नहीं, तो पांच का पांच। फिर आप लिखाएंगे यहां पर किसका चिन्ह, प्लस का। अब बारी किसकी है, तीन, ठीक है। अब तीन के पहले जो पॉइंट है, यानी वो कितने अंकों के पहले पॉइंट है, एक अंक के पहले पॉइंट हो गया ना भाई, तीन के पहले मतलब एक अंक के पहले पॉइंट है, और एक अंक के पहले पॉइंट होने की वजह से बट्टे में आपको एक जीरो अर्थात दस लिखना है। फिर प्लस में आएगा दो, तो दो से आप पॉइंट गिनो कितने अंकों के पहले हुआ, एक और एक, एक और एक दो अंकों के पहले पॉइंट हो गया, तो आपको बट्टे में दो जीरो लगा देनी है, यानी एक और ऐसे दो जीरो। फिर उसके बाद में बारी आएगी चार की, तो चार से आप पॉइंट गिनो कितने अंकों के पहले, एक दो तीन, यानी यहां से अगर हम पॉइंट को काउंट करते हैं तो एक दो तीन, तीन अंकों के पहले है, तो चार के बट्टे में आप लगा देंगे यहां पर कितने जीरो, तीन जीरो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या को विस्तार रूप में आसानी से लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे आपके पास हो दो चार पॉइंट जीरो तीन छह सात, तो इसमें सबसे पहले आपको दो लिखना है और पॉइंट तक जाओगे तो एक जीरो मिलेगी, एक अंक यानी एक जीरो बीस। फिर प्लस में आप चार लिखोगे तो चार के तुरंत बाद में पॉइंट आ गया, कोई जीरो आपको मिलेगी नहीं। अब इसके बाद में बारी आई जीरो की, लेकिन जीरो के पहले कितने को पहले पॉइंट था, एक अंक के पहले, तो आप बट्टे में एक जीरो लगाएंगे, प्लस फिर आप लिखने वाले यहां पर कितने, तीन, और तीन के पहले यानी एक और एक दो, दो अंकों के पहले पॉइंट है, तो बट्टे में सो लगा देंगे यानी दो जीरो। फिर छह को लिखेंगे तो छह के आगे काउंट करेंगे एक दो तीन, छह से एक दो तीन, तीन अंकों के पहले पॉइंट, तो तीन जीरो, प्लस फिर आ जाएगा सात, और सात से काउंट करेंगे तो एक दो तीन चार, इसके नीचे हम चार जीरो लगा देंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी संख्या को आसानी से विस्तारित रूप में लिख सकते हो। यदि आपको इस विस्तारित रूप लिखना अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट रखना, जिससे क्या होगा कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।